अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं सेकंड ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 1.2। पहले इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। हमें दो फंक्शन दे दिए गए, एक फंक्शन एफ और एक फंक्शन जी दे दिया गया, और उन्हें फाइंड करने के लिए दिया है हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, मतलब कंपोजिशन फंक्शन। हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसे देखें, अगर हम इसे ख़त्म कर लें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हम लिख लेंगे इधर, थ्री ओवर एक्स माइनस वन आ गया। ब्रैकेट लगाई, बाहर जो एफ था वैसे ही हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये देखें एफ और अंदर ये कोई वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पे देखें लिखा हो एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ एक्स की जगह क्या हमारे पास आ गया, थ्री ओवर एक्स माइनस वन, एक्स की जगह ही आ गया, मतलब एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, अब थ्री ओवर एक्स माइनस वन। अब देखें ये एफ वाला फंक्शन है, टू लिखा, एक्स आ गया, एक्स की जगह हमने ये वैल्यू लिख देनी है, टू ओवर एक्स माइनस वन, उसके बाद प्लस वन लिख दिया, ठीक हो गया। अभी हमने इसे सिंप्लीफाई कर देना है, टू टू ज़रा हमारे पास फोर हो जाएगा, ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन। एलसीएम ले लेते हैं, जब इधर में हमें प्लस या माइनस है हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, हमारे पास आएगा एक्स माइनस वन फोर प्लस एक्स माइनस प्लस सॉरी माइनस ही आएगा माइनस वन, फोर में से वन माइनस किया थ्री प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस वन, ये हमारे पास एफ ओफ जी ओफ एक्स आ गया। सिंपली हमने पहले इसे ख़त्म किया, देखिए इस पे हाथ रख लिया, छुपा लिया, अब हमारे पास जितना रह गया जी ओफ एक्स था, हमने जी ओफ एक्स लिख लिया। अब बाहर एफ लिखा हुआ था, एफ वाला ये था, तो यहाँ एफ के अंदर क्या लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह थ्री ओवर एक्स माइनस वन लिख दिया गया, तो इसी फंक्शन में एक्स की जगह थ्री ओवर एक्स माइनस वन लिख दिया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जी ओफ एफ ओफ एक्स, हमने यहाँ लिखा जी ओफ एफ ओफ एक्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ओफ एफ ओफ एक्स को क्या लिखेंगे, पहले जी लिख दिया, ब्रैकेट लगा लें, एफ ओफ एक्स लिखा हुआ है ना, एफ ओफ एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ओफ एक्स क्या है, टू एक्स प्लस वन, वही हमने लिख दिया, टू एक्स प्लस वन, मतलब इसे खत्म कर दिया, जो लिखा हो तो वही लिख लिया, बाकी फिर साइड पे ब्रैकेट लगा के जी लिख लिया। अब यहाँ जी लिखा हुआ तो जी वाला हम देखेंगे, जी यहाँ पे है, इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास आ गया है टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ क्या करेंगे, जहाँ एक्स होगा वहाँ टू एक्स प्लस वन लिख देंगे, क्या आएगा थ्री ओवर एक्स माइनस वन है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यही वाला टू एक्स प्लस वन, ये एक्स की जगह हमने इतना लिख दिया है, ठीक हो गया, इतना एक्स की जगह आया, उसके बाद आगे माइनस वन है, वैसे ही माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन कट के हमारे पास आ गया थ्री ओवर टू एक्स, बस ये सॉल्व हो गया। इसी तरह हम आगे देखेंगे एफ ओफ एफ ओफ एक्स, एफ ओफ एफ ओफ एक्स में देखें, इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट एफ फिर ब्रैकेट में एक्स लिख सकते हैं ना, एफ के ऊपर अगर हम हाथ रख लें, बाकी क्या रहेगा हमारे पास एफ ओफ एक्स, तो एफ ओफ एक्स हमारे पास क्या है टू एक्स प्लस वन लिख लिया, वैसे ही ब्रैकेट लगाई बाहर एफ लिख दिया। अब फिर एफ वाला आ रहा है, तो मतलब क्या करना है, हमने एफ वाला लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में अब क्या दे दिया गया टू एक्स प्लस वन, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स की जगह टू एक्स प्लस वन लिख लेना है, टू लिखेंगे पहले, हमने टू लिख लिया, उसके बाद क्या आ रहा है फंक्शन में हमारे पास एक्स आ रहा है, तो हमने एक्स की जगह यही वैल्यू लिख देनी है टू एक्स प्लस वन, ठीक हो गया, लिख ली, उसके बाद प्लस वन लिखा हुआ है हम प्लस वन लिख लेंगे, टू को मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स प्लस टू वन ज़ा टू, और ये वाला प्लस वन, ये थ्री हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स प्लस टू और वन थ्री आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट है इसका जो डी पार्ट, उसमें है जी ओफ एक्स, उसे ऐसे लिख सकते हैं जी ब्रैकेट लगा के जी फिर ब्रैकेट में एक्स लिख सकते हैं ना, अब हमने जी वैसे लिख लिया, यहाँ लिखा हुआ जी ऑफ एक्स, मतलब इस पे हाथ रखें जी ऑफ एक्स रह जाता है ना अंदर, तो हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है थ्री ओवर एक्स माइनस वन, थ्री ओवर एक्स माइनस वन लिख लिया। अब जी वाला लिखना है, जी वाले में अब जहाँ पे यहाँ देखें एक्स लिखा हुआ है, एक्स की जगह अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थ्री ओवर एक्स माइनस वन, तो हमने वैसे ही करना है एक्स की जगह अब थ्री ओवर एक्स माइनस वन इसमें पुट कर देना, थ्री वैसे लिखेंगे ओवर थ्री ओवर, अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है थ्री ओवर एक्स माइनस वन, फिर उसके एक्स की वैल्यू लिखती है, उसके बाद माइनस वन है, तो यहाँ पे हम
माइनस वन लिख लेंगे। बस सिंप्लीफाई करते हैं, थ्री वैसे आ जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा, थ्री माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस के से साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस वन, नीचे आ जाएगा थ्री और वन फोर माइनस एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास सॉल्व होके आ गया। ठीक हो गया, अब इसका हम कोई और पार्ट करके देख लेते हैं, फर्स्ट किया है, अब हम इसका सेकंड वाला करके थर्ड वाला करके देख लेते हैं। थर्ड वाला जो है उसमें हमारे पास एफ ओ फैक्स और जी ओ फैक्स चेंज हो जाएंगे। थर्ड में एफ ओ फैक्स जो है हमारे पास वो दिया गया है वन ओवर स्क्वायर रूट में हमारे पास है एक्स माइनस वन, और जी ओ फैक्स जो दिया गया है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, इसके चारों पार्ट जिस तरह पहले की ए बी और सी वाले चारों पार्ट करते हैं। पहला क्या था हमारे पास पार्ट इसका एफ ऑफ जी ओ फैक्स, सेम उसी तरह सॉल्व करते हैं। पहले जी ओ फैक्स ये लिखा हुआ है, जी ओ फैक्स लिख लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिख लिया। अब ईद की ब्रैक लगा के एफ, वैसे ईद की ब्रैक लगाई एफ लिख लिया। अब एफ वाला फंक्शन जी है, अब यहाँ एक्स था, अब यहाँ एक्स की ये वैल्यू दे दी गई है, सेम वैसे लेकिन बस एक्स की जगह ये वैल्यू लिख लेनी है एफ वाले में वन। यहाँ पे जो लिखा है उसी फंक्शन को चेंज करना है, वन लिख दिया ओवर, अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगा लिया हमने, ठीक हो गया। एक्स है तो एक्स की जगह ये सारी वैल्यू लिखनी है, ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, आगे एक्स की जगह उसके बाद माइनस वन है, माइनस वन लिख दिया हमने। सो अगली इसके आगे सिंप्लीफाई करना है तो वो कर सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, हमारे पास आ गया वन ओवर एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया सॉल्व होके। ठीक हो गया, अब आगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, वो बी, वो हमारे पास क्या है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। क्या करेंगे हम, ये ऐसे लिख दिया एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, स्केयर रूट एक्स माइनस वन हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे जी दिया हुआ है, मतलब जी में हमने चेंज करना है एक्स की जगह, जी में यहाँ एक्स था, यहाँ पे अब ये वैल्यू आ गई है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख देनी है, जी वाले में एक्स है तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे वन ओवर स्केयर रूट एक्स माइनस वन, लिख दिया। एक्स के ऊपर स्केयर था इसलिए ये एक्स की वैल्यू लिखने के बाद उसके ऊपर स्केयर लगा दिया, प्लस वन है प्लस वन लगा दिया, उसके बाद होल स्केयर है, होल स्केयर लगा दिया हमने, ठीक हो गया। अब देखें ये स्केयर से स्केयर रूट कट गया तो इसका अब एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस वन एलसीएम आ जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन कट गया, एक्स ओवर एक्स माइनस वन होल स्केयर, ये सॉल्व हो गया हमारे पास, सिंप्लीफाई भी कर लिया हमने। अब इसका अगर सी पार्ट देखते हैं, उसमें क्या था हमारे पास एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया, एफ ये हमने ऐसे लिख लिया एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वन स्केयर रूट। अब एफ वाले में हमने एक्स की जगह ये चीज़ लिखनी है, ये एफ वाला है, एक्स की जगह हमने लिख देना है मतलब वन ओवर स्केयर रूट, वन ओवर स्केयर रूट एक्स था तो एक्स की जगह ये वैल्यू लिखनी है वन ओवर एक्स माइनस वन स्केयर रूट, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस वन था हमने माइनस वन लिख लिया, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई अगर करें हम इसे तो वन माइनस स्केयर रूट एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन स्केयर रूट ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसे ऊपर भी कर सकते अगर और सिंप्लीफाई करना है तो एक्स माइनस वन स्केयर रूट ओवर वन माइनस एक्स माइनस वन स्केयर रूट होल स्केयर, ठीक हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट करते हैं डी, उसमें जी ऑफ एक्स है, जो जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। इस पे हाथ रख ले तो हमारे पास ये क्या वैल्यू है जी ऑफ एक्स, तो मतलब हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर लिख लिया और बाहर जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्केयर प्लस वन, तो एक्स स्केयर मतलब ये वाली वैल्यू, ये हमने लिख दिया एक्स, एक्स का स्केयर भी था तो ये हमने ऊपर स्केयर लिख दिया, उसके बाद प्लस वन था हमने प्लस वन लिख दिया, उसके बाद होल स्केयर था हमने होल स्केयर लगा दिया, यानी कि जी की वैल्यू में सिर्फ एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब ये स्केयर और स्केयर पावर फोर हो जाएगी कि पावर फोर प्लस वन होल स्केयर, बस इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत थी इतना ही बहुत है, ठीक हो गया। अब इसका पार्ट टू और जो फोर है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा, अगर ना हो तो आप बता दीजिएगा। अब आगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन फाइंड करने हैं हमने। अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम दिया गया फोर रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन हमें दे दिए गए f डिफाइंड बिलो, फाइंड क्या करना है f इनवर्स x, इस फंक्शन का हमने इनवर्स फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में उसकी इनवर्स में x की जगह माइनस वन रिप्लेस कर देना है, मतलब माइनस वन पुट करने से जो आंसर है वो बताना है। वो बताने के बाद वो कह रहे हैं वेरीफाई करें कि f इंटू f इनवर्स x या फिर f इनवर्स इंटू f ऑफ x करें तो इक्वल x के आए, मतलब पहले इनवर्स ले लें बाद में फंक्शन f अप्लाई कर दें या पहले f के ऊपर बाद में फंक्शन का इनवर्स अप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर जो है वो x ही आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं f इनवर्स ऑफ x, मतलब इसका जो है वो इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हम देखें पहले लेट कर लेते हैं f ऑफ x इक्वल है हमारे पास y के, ठीक हो गया, मतलब ये चीज़ जो है हमारे पास y के इक्वल है आ गई, माइनस टू एक्स प्लस एट, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास ये y था, मतलब ये हमारे पास y की वैल्यू है, इन्वर्स मतलब उलट होता है, तो उलट के करेंगे हम इसमें से, अब y की वैल्यू निकली हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसे इस तरफ ले x वाले को, माइनस का था इस तरफ आके प्लस का हो गया 2x, ये उस तरफ जाके माइनस वाई हो गया, ये प्लस एट वैसे ही रह गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह यहाँ देखें y की वैल्यू फाइंड थी हमारे पास, तो इस तरफ सिर्फ y था और कोई भी नहीं था। अब हम x की वैल्यू फाइंड करें तो इस तरफ सिर्फ x रहना चाहिए और कुछ भी ना हो, तो 2 इधर x साथ मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई प्लस एट ओवर टू, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मतलब उलट हो गया, ये y था ये उलट हो गया, मतलब ये फंक्शन था ये उसका इन्वर्स आ जाएगा y का, y इसलिए क्योंकि y इसमें यूज हुआ वेरिएबल टू आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फंक्शन ने क्या हमारे पास के ये क्या दिया होता f ऑफ x, हमें किस में चाहिए था f इनवर्स ऑफ x, मतलब x में चाहिए था वेरिएबल, यानी पे इसमें हमारे पास मौजूद होना चाहिए x, तो यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर देंगे x में चेंज कर देंगे, यानी कि फंक्शन को हमने x में चेंज कर दिया, वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया, x में चेंज हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया f इनवर्स x हो गया, इसे वन कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करने का क्या बोला गया, f इनवर्स इनटू माइनस वन, यानी कि उन्होंने बोला कि एफ इनवर्स माइनस वन जो है वो फाइंड करें, यहीं पे करते हैं आपको दिखाती हूँ इसी में, एफ इनवर्स माइनस वन, ठीक हो गया, लिख लिया हमने। अब एफ इनवर्स जो है उसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, माइनस वन, यहाँ पे जो हमारे पास एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स पर एक्स वो ये है ना हमारे पास एक्स है, यहाँ पे माइनस वन लिखा, मतलब इस एफ इनवर्स में हमने एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देना, यहाँ लिखा हुआ माइनस हमने माइनस लिख लिया, x था उसकी जगह हमने ये माइनस वन लिखना है, माइनस वन लिख दिया, प्लस एट ओवर टू जो है वो वैसे ही हम लिख लेंगे, एट ओवर टू आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वन प्लस एट ओवर टू, एट ओवर वन नाइन ओवर टू, ये हमारे पास क्या आ गया f इनवर्स माइनस वन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या फाइंड करने वेरीफाई करने का बोला है, f इंटू f इनवर्स ऑफ x, पहले इसे हम फाइंड कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, जिस तरह हमने कंपोजिशन फंक्शन किया था सेम उसी तरह इसे सॉल्व करेंगे, एक्स आ गया, ठीक हो गया, इसके ऊपर हाथ रख लें, ये क्या है हमारे पास f ऑफ f इनवर्स x, तो क्या हमारे पास है यही, तो हमने इसे लिख देना माइनस एक्स प्लस एट ओवर टू आ गया, ठीक हो गया, ब्रैकेट लगा दिए और इसी तरह बाहर f लिख लिया। अब f के अंदर ये x की जगह ये आया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखें जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो f ऑफ x इक्वल माइनस टू एक्स प्लस एट दिया, मतलब यहाँ f के अंदर यहाँ पे x है और अब हमारे पास x के अंदर यहाँ क्या आ गया है माइनस एक्स प्लस एट ओवर टू, मतलब x की जगह हमने ये चीज़ पुट कर लेनी है इस फंक्शन में, माइनस टू लिखेंगे, माइनस टू लिख दिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है x प्लस एट x है, तो x की जगह हमने यही वैल्यू लिखनी है, x की जगह वैल्यू लिख ली और उसके बाद आगे प्लस एट था हमने प्लस एट लिख लिया, ये टू से टू कट हो गया, माइनस प्लस इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस प्लस का था ये माइनस का एट हो जाएगा, प्लस एट ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया x आ गया, ठीक हो गया, इसे टू कह लें। अब हमने सेकंड में हमें क्या प्रूव करने के f इनवर्स इंटू f ऑफ x, f इनवर्स f ऑफ x, ठीक हो गया, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर इस पर हम हाथ रख लें, ये वैसे लिखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है माइनस टू एक्स प्लस एट, हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस टू एक्स प्लस एट। अब f इनवर्स है इस तरफ, मतलब चेंज हमने इनवर्स में करना है, इनवर्स वाला ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, इधर x है उधर माइनस टू एक्स प्लस एट है, मतलब x की जगह हमने माइनस टू एक्स प्लस एट पुट कर देना है, ये हमने लिखा माइनस, अब x आ रहा है उसकी जगह हमने ये लिख देना है माइनस टू एक्स प्लस एट लिख दिया, उसके बाद प्लस एट है हमने प्लस एट लिख दिया, ओवर टू था हमने टू लिख दिया, ठीक हो गया, माइनस को से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू एक्स,
ये प्लस माइनस माइनस एट और ये वाला प्लस एट वैसे आ गया, ये प्लस एट माइनस एट से कट गया, ये हमारे पास आ गया टू एक्स ओवर टू, टू से टू कट गया एक्स आ गया, इसे इक्वेशन थ्री कहते हैं। अब इक्वेशन वन सॉरी टू और थ्री से हमें क्या पता चल रहा है कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी एक्स की इक्वल है और एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स भी एक्स की इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना था तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं, थर्ड वाला ही कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट है इसमें एफ ओ एक्स दिया गया है हमें माइनस एक्स प्लस नाइन होल पावर थ्री, ठीक हो गया। जिस तरह पीछे को अभी क्वेश्चन किया हमने, इसे लेट कर लेना है वाई के इक्वल, एफ ओ एक्स वाई के इक्वल, तो ये भी वाई के इक्वल आ जाएगा, वाई इक्वल हमारे पास आ गया माइनस एक्स प्लस नाइन थ्री। उसके बाद ये करना है वाई की वैल्यू फाइंड, ये हमारे पास दी अब आ गई है तो हमने एक्स की फाइंड करनी है, उलट कर देना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, इसकी पहले पावर ख़त्म होनी चाहिए, तो थ्री पावर कैसे खत्म होगी, अगर इसकी पावर वन बाय थ्री ले लें, माइनस एक्स प्लस नाइन थ्री पावर वन बाय थ्री ले ली, ख़त्म होगी पावर, तो वाई की पावर वन बाय थ्री इक्वल क्या आ गया माइनस एक्स प्लस नाइन, माइनस एक्स को इधर ले जाइए सीधे ले जाइए ताकि ये प्लस का हो जाए, एक्स प्लस का हो गया, इधर आके वाई माइनस का हो गया प्लस नाइन पावर वन बाई थ्री, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्स की भी वैल्यू आ गई, तो इसे हम कह सकते हैं एफ इनवर्स वाई माइनस वन ओवर थ्री प्लस नाइन, ठीक हो गया। हमें एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए था तो हमने इसे चेंज कर दिया वाई वाले को एक्स में, यानी कि इस फंक्शन को हमने एक्स में चेंज कर दिया, वाई में था हमने एक्स में चेंज कर दिया, प्लस नाइन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड हो गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है एफ इनवर्स माइनस वन फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या चेंज आ रहा है, पहले एक्स था माइनस वन आ गया, तो मतलब एक्स जो हमें सिर्फ माइनस वन ही चेंज करना पुट करना है प्लस नाइन, ठीक हो गया। पावर ओड है तो माइनस रह जाएगा, माइनस इंटू माइनस वन प्लस नाइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन प्लस नाइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसे हमने इसे चेक कर वेरीफाई करना है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ये करना है, इसे एक्स की इक्वल आने इसे खत्म कर दे, तो ये क्या लिखा होगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है अब माइनस एक्स प्लस नाइन की होल पावर थ्री, माइनस एक्स प्लस नाइन की होल पावर थ्री लिख ली, ठीक हो गया। अब देखें ये एफ इनवर्स बन गया है, तो एफ इनवर्स हमारे पास क्या दिया हुआ ये वाला, इधर एक्स था इधर क्या आ गया माइनस एक्स प्लस नाइन की होल पावर थ्री, तो वही हम चेंज कर देंगे एक्स की जगह, इसे लिखेंगे माइनस एक्स आ गया, एक्स की जगह यही हमने लिख देना माइनस एक्स प्लस नाइन की पावर थ्री लिख दिया। उसके बाद वाई पावर क्या थी इसकी वन बाय थ्री, तो इसकी पावर हमने वन ओवर थ्री लिख ली। उसके बाद क्या लिखा प्लस नाइन, हमने प्लस नाइन लिख लिया। अब ये थ्री से थ्री पावर कट गई, तो ये हमारे पास आ गया माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस नाइन, प्लस नाइन हो गया, माइनस था वाई, उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस नाइन, और ये वाला प्लस नाइन कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स, इसे फर्स्ट कह दें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या इसका फाइंड करना है, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। अब एफ ये वैसे लिखती है एफ इनवर्स एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स तो हमें क्या दिया हुआ है माइनस एक्स की पावर वन बाय थ्री प्लस नाइन, ये हमें एज इट इज़ लिख दिया, जो अंदर लिखा हो तो उसे हमने एज इट इज़ लिख देना होता है, लिखने के बाद जो बाहर दिया हो उसमें एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी होती है, ठीक हो गया। अब एफ क्या है हमारे पास माइनस एक्स प्लस नाइन की होल पावर थ्री, हम लिखेंगे पहले माइनस एक्स, माइनस लिख दिया एक्स था तो उसकी जगह ये वैल्यू हमने लिख देनी है माइनस एक्स वन बाय थ्री प्लस नाइन, लिखती वैल्यू। उसके बाद क्या है प्लस नाइन और होल पावर थ्री, प्लस नाइन होल पावर थ्री लिखती, ठीक हो गया। माइनस के से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये एक्स की पावर वन बाय थ्री, ये माइनस नाइन हो जाएगा, ये प्लस नाइन पावर पावर थ्री आ गई, ये दोनों कट गए, एक्स की पावर वन बाय थ्री और बाहरी पावर थ्री थी, दोनों कट के हमारे पास एक्स आ गया। अब इन दोनों से प्रूव हो गया कि हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ इंटू एफ इनवर्स एक्स जो था वो दोनों हमारे पास एक्स आ गया, ठीक हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, उसमें कहा गया कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, वो कह रहे हैं इनवर्स फाइंड किए बगैर बताना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो कहते हैं कि हमें एफ ऑफ एक्स जो है वो दे दिया गया, तो हमने एफ एफ इसका इनवर्स फाइंड किए बगैर हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, इनकी इनवर्स फाइंड किए बगैर इसकी इनवर्स की हमने जो है वो डोमेन और रेंज जो है वो बतानी है।
पहले तो हम लिखेंगे इसकी डोमेन और रेंज फंक्शन की। फंक्शन का तो हमें जो फंक्शन दिया गया है उसकी जो डोमेन होती है उसके जो इन्वर्स होता है उसकी रेंज होती है। इसकी मतलब जो डोमेन निकलेगी वो इसके इन्वर्स की रेंज होगी और इसकी जो रेंज निकलेगी वो इसी के इन्वर्स की डोमेन हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वर्स उलट हो जाता है। तो इसकी डोमेन लिखेंगे, इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी वो कैसे फाइंड करते, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसे हम जीरो से बड़ा और इक्वल रखते होते हैं। एक्स प्लस टू का ठीक हो गया, ग्रेटर और इक्वल जीरो रख दिया। इसमें से अब टू की वैल्यू क्या निकलेगी, टू उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस टू हो गया, ठीक हो गया। तो मतलब इसका क्या है कि जो हमारे यहाँ से डोमेन में कौन सा नंबर जो है वो नहीं रख सकते हम माइनस टू, और उससे जो बड़े नंबर है वो रखेंगे रख सकते हैं माइनस टू, और उससे बड़े नंबर हम रख सकते हैं, ठीक हो गया। माइनस टू अगर हम रखें, हम देखें ज़रा, माइनस टू अगर हम एक्स की जगह रखें तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अब उससे बड़ा नंबर अगर कोई रखें तो माइनस वन आ रहा है, माइनस वन रख के देख लें क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट वन, और आंसर वन आ रहा है उसका, ठीक हो गया। अब हम छोटे की तरफ जाते हैं, ये तो रखने का बोला है ना कि हम यहाँ रख सकते हैं। अगर हम देखें माइनस टू से छोटा हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम देख लें माइनस थ्री ही देख लें, तो माइनस थ्री इधर रखें ज़रा, माइनस थ्री प्लस टू तो क्या आएगा, माइनस वन, वो तो स्क्वायर रूट में माइनस वन आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, हमें इमेजिनरी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस टू और माइनस टू से जो छोटे नंबर है वो इसकी डोमेन में आ जाएंगे। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस टू इंक्लूड होगा यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक हो गया। माइनस टू से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कोई भी नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, ये डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गई है। जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगी इसकी रेंज। ये इनके फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इन्वर्स की रेंज होती है, जो फंक्शन की रेंज होती है वो उसके इन्वर्स की डोमेन होती है। ये फंक्शन की जो थी ये डोमेन थी, तो इसका मतलब ये इसके इन्वर्स की रेंज है, ठीक हो गया। अब इसकी हम रेंज निकालेंगे वो उसकी डोमेन हो जाएगी। अब इसकी रेंज जो होगी वो क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज हमारे पास जो होती है वो हमेशा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखें, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज हमारे पास हमेशा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होती है, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास की रेंज आ जाती है। नेगेटिव वाले तो हमारे पास आने ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास के अंदर माइनस नहीं हमने पुट किया ना, हमारे पास सारे जो नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ गए हैं, हमारे पास इसकी रेंज आ गई है, ठीक हो गया। तो ये इसकी रेंज है। अब ये हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी तक जो है ये हमारी इसकी रेंज है, तो ये एफ इनवर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगी, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। पहले हमने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज अगर हमने इन्वर्स फाइंड किए बगैर बतानी है, तो जो फंक्शन दिया गया है उसकी डोमेन निकालेंगे, जो उसकी डोमेन होगी वो उसकी इन्वर्स की रेंज हो जाएगी, और फिर हम उसकी रेंज निकालेंगे, जो उसकी रेंज होगी उसकी इन्वर्स की डोमेन आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ से डोमेन हमने कैसे निकाली, इसको हमने ग्रेटर इक्वल जीरो के रखा, हमारे पास माइनस टू आ गया, इसका मतलब हमने माइनस टू और माइनस टू से बड़े नंबर जो है वो हमने डोमेन में लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसे कह दिया कि ये इसकी रेंज है इन्वर्स की, फिर हमने इसकी रेंज निकाली। रेंज क्या होती है, हमेशा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की इस फॉर्म में जो हो उसकी जीरो से इन्फिनिटी तक रेंज आएगी, इस फॉर्म में जो हो सिर्फ, ठीक हो गया। ये हमारी जीरो से इन्फिनिट तक आ गई, जो इसकी रेंज थी वो इसकी इन्वर्स की डोमेन आ गई, ठीक हो गया। इसका एक और पार्ट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, फ्रैक्शन वाला थर्ड पार्ट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है इसमें वन ओवर एक्स प्लस थ्री, और एक्स डज नॉट इक्वल उन्होंने बोला है माइनस थ्री, ठीक हो गया। अब देखें इसकी वाले डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वो हम फ्रैक्शन वाले फंक्शन की डोमेन जो होती है वो इसमें से निकालते होते हैं। इस वाले फंक्शन ने डिनोमिनेटर को हमने इक्वल जीरो रखना है, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री, ठीक है। माइनस थ्री आ गई मतलब डोमेन में माइनस थ्री नहीं होगा, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो शामिल होंगे, बस रियल नंबर में से माइनस थ्री जो होगा वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। या इसकी एफ ओफ एक्स इक्वल वन ओवर एक्स प्लस थ्री जो है इसकी डोमेन में सिर्फ माइनस थ्री शामिल है, बाकी सारे शामिल। माइनस थ्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम माइनस थ्री एक्स जब पुट कर देते डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम माइनस थ्री जो है वो इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। ये डोमेन ऑफ एफ ओफ एक्स है, तो ये जो डोमेन ऑफ एफ ओफ एक्स है उसे रेंज ऑफ एफ ओफ इनवर्स ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, यानी कि जो फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो उसकी इनवर्स की रेंज के इक्वल आ जाती है।
माइनस थ्री आ गया, ठीक हो गया। अब हमें करनी है रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, तो वो रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। हमने इसकी रेंज निकाली, वो रेंज हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जब फंक्शन जो होते हैं इस फॉर्म में जो हम उसमें हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आ जाते हैं, ऐसे ही होता है रियल नंबर आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हो कि फ्रैक्शन में इस तरह रैशनल नंबर हमें दे दिया गया है लेकिन उसके डिनोमिनेटर में वन है, अगर डिनोमिनेटर में वन हो तो ज़ीरो के अलावा बाकी सारा जो होता है वो हमारे पास आ जाएगा। क्यों वो आ जाएगा ये देखें ज़रा, अगर हम इसे करें फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इधर ज़ीरो आया, ज़ीरो तब आएगा ना इसमें जब हम कोई एक्स की वैल्यू पुट करें फॉर एग्जाम्पल, या वन माइनस एक्स है तो हमने एक्स की वैल्यू वन पुट की तब भी ऊपर ज़ीरो बनेगा। यहाँ पे तो चेंज ही नहीं, तो है ही वन का वन, चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही हुआ इसमें जो है हमारे पास ज़ीरो आंसर नहीं आएगा, रियल नंबर में से ज़ीरो जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। रियल नंबर में से ज़ीरो जो है वो माइनस, उसके अलावा बाकी सारे नंबर इधर आ सकते हैं, रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ सकते हैं, बस ज़ीरो इसमें नहीं आएगा। तो ये इसकी रेंज आ गई है, तो ये क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स की ये डोमेन बन जाएगी जो इसकी रेंज थी, ठीक हो गया। फंक्शन की जो रेंज होती है वो उसकी इनवर्स की डोमेन होती है, और फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसकी इनवर्स की रेंज होती है, ठीक हो गया। एक और पार्ट करके दिखा देते हैं इसका, फोर्थ भी कर लेते हैं। फोर्थ में एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर, और हम बोले एक्स ग्रेटर और इक्वल फाइव। अब इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, और उन्होंने दे दिया कि एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल फाइव है, मतलब जो हमने एक्स लेना है फाइव या फाइव से बड़ा लेना है, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, फाइव से लेके फाइव इंक्लूड है, इक्वल का साइन, अगर इक्वल का साइन ना होता ना फिर फाइव ही हमने ओपन इंटरवल लगाना था, फाइव से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, फाइव से बड़े मतलब। वैसे भी अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे फंक्शन में दे दिया हुआ है ना, इसकी तो वहाँ से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने फंक्शन क्वेश्चन में दे दिया कि एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल फाइव है, मतलब हमने फाइव और फाइव से बड़े नंबर जो है वो हमने पुट करने, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं पुट कर सकते, इसलिए ये इसकी डोमेन आ गई। तो इसकी इन्वर्स की क्या हो जाएगी, रेंज फाइव पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज बन गई, ठीक हो गया। अब हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगी। अब देखिए स्केयर है, स्केयर रूट वाले नंबर में हम पॉजिटिव नंबर पुट करें या नेगेटिव नंबर पुट करें, जो मर्जी नंबर पुट कर लें, आंसर जो हमारे पास होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर इवन है तो इवन जो होती है वो माइनस को ख़त्म कर देती है, इसलिए हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी वो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर ज़ीरो से इन्फिनिटी तक आ जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। अगर ऊपर स्केयर ना होता, पावर थ्री आ जाती फॉर एग्जांपल, और की पावर होती फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्केयर लगा दी तो स्केयर की वजह से नेगेटिव नंबर खत्म हो गए, हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये जिसकी रेंज है तो इनवर्स की क्या बन जाएगी, ये डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। बाकी सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर टू, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा ट्राई।